आदरणीय इस टाइम हम मौजूद हैं तौंसा शरीफ में, और जो है तौंसा शरीफ की जो पट्टी सैलाब से मुतासर हुई है वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमने हमारी टीम जो है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी, पिछले दो दिन से जो है वो काम कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो आज हमारी टीम ने जो है मुकम्मल काफ़ी वर्क फील्ड वर्क करने के बाद उनकी लिस्ट है मुकम्मल तैयार कर ली। और आपको अगर मेरा कैमरा मैन दिखा देते तो ये देखें रात भाई जो है वो जो है ना इस टाइम सामान की जो है निगरानी भी कर रहे हैं। और ये तो रिक्शे हम यहाँ पर लेके पहुँचे, ये छोटी सी ये जो है ना इसमें खुशियों का ट्रक भी है। खुशियों के ट्रक से मुराद ये है कि इसमें बच्चों के जो है खाने की चीज़ें हैं। और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये शहजाद भाई हमारे साथ हैं, पूछते हैं शहजाद भाई से कि शहजाद भाई क्या कहना चाहेंगे। जी शहजाद भाई जी, हम इस इलाके में पहुंचे हैं तो यहाँ पे आके हमें पता चला है कि यहाँ पे जो है वो कोई और नहीं पहुँचा, गवर्नमेंट भी नहीं पहुँची और कोई NGO यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं पहुँची। तो हम क्योंकि तीन दिन से फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में जो है वो मसरूफ़ है, मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो हम सामान लाहौर से लाए हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कोई तकरीबन 300 से 400 लोग मौजूद है जिन्हें हम इंशाल्लाह जिनके लिए हम सामान लाए हुए हैं, कुछ कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है और वो हम देंगे इन्हें। जैसे इन्होंने जिक्र किया ना खुशियों का ट्रक, तो उसमें बेसिकली बच्चों के लिए चीज़ें हैं। बच्चों को क्या लगे सैलाब से और इस तरह की चीज़ों से, तो उसमें हमारे एक टीम मेंबर ही जो एक छोटा बच्चा था तो वो अपना गला तोड़ के ले आया। उसने कहा जी मेरे इन पैसों से आपने वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लॉलीपॉप जूस और इस तरह की चीज़ें लेके जानी। तो मैंने मतलब हम जब सब सामान इकट्ठे कर रहे थे तो उस बच्चे की सोच ने हमें बड़ा अट्रैक्ट किया, तो इस सेगमेंट को हमने खुशियों का ट्रक का नाम दिया। तो खुशियों का ट्रक से मुराद है कि बच्चों के लिए तो वो लॉलीपॉप जूस बिस्किट और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम उनके लिए लेके आए और अभी हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। तो नादरीन ये इस टाइम की सिचुएशन है और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो रास्ता है ये मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये वो रास्ता होगा जहाँ से हम गुज़र के जो है वो मुतलका जो है वो आबादी तक पहुँचेंगे। अगर ये देखें आप देख सकें तो ये देखें, ये वो रास्ता है जी जहाँ से हम गुज़रेंगे। और जब हम गुज़रेंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा, वो कुछ दोस्त आ भी रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है जी इस इलाके में, तो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आप सबको अपडेट करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि मतलब NGOs क्या काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की NGOs बहुत हद तक जो है ना उन्होंने रिलीफ पहुंचाया है इन लोगों को, लेकिन ये सब जो है ना अभी भी नाकाफ़ी है। आप सब लोगों को जो कि साहब इस्तेतात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे ये मेरी दस्तबस्त अपील है कि आगे बढ़ें और इन लोगों का सहारा बने, इन लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जो है वो वाइस चेयरमैन यूसुफ अकियां के इमरान शाह साहब मौजूद हैं, और आइए उनसे चलते हैं, अपने इन व्यूज़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद रोशन जो जिनके ग्रोथ लिंक प्रोग्राम है उनके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे वो हमारे इलाके यूनियन कौंसिल बकरी अहमद खान में आए हैं। जो सैलाब ज़दगान थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुतासर थे और ये थोड़ा सा हट के एरिया था, यहाँ पे ज़रूरत थी, कोई नहीं आ रहा था। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उनकी गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से आई हैं, रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन उन हालात के बावजूद भी इन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है इन गरीब लोगों को, सैलाब ज़दगान लोगों को जो फंसे हुए थे बड़ी मुश्किल में। तो ये वहाँ से बहुत सारा राशन सामान लेकर आए हैं, जो इनसे हेल्प हो सकती है वो भरपूर तरीके के साथ यहाँ पे जो जितने सारे लोग आए हुए हैं उनको ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं अल इलाका की तरफ से भी, और हम मज़ीद भी ये भी अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन हैं मेरी आवाज़ पर उन तक पहुँच रही है तो यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुतासर लोग हैं जिनके घर गिर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, तो उनके ज़रूरत है सामान की, उनको मकान की तमीर
के लिए और फसलों के लिए और उनके खाने पीने के लिए, तो इनके काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इनके मसाइल हैं, मेडिकल टीम हो, डॉक्टर हो, मेडिसन हो, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये थोड़ा सा इलाका तौंसे से हट कर होता है और 10-15 किलोमीटर यहाँ पे जो भी फंड वगैरह आते हैं तो वो रोड के एरिया के जो नज़दीक होते हैं वहाँ पे आकर लोग वहाँ पे लेकर चले जाते हैं। आगे जो यहाँ पे सैलाब के अंदर वो जो मिड में फंसे हुए हैं ना, वहाँ तक वो जो इमदाद है वो नहीं पहुँच सकती। इस इदारे की, इन लोगों की, इस एन जी ओ की स्ट्रगल की और रोशन साहब की और जो भी ये टीम मैनेजमेंट सारे लोग आए हुए हैं इस चैनल की तरफ से, मीडिया वालों की तरफ से, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और यहाँ तक ये लोग आए हैं जो बहुत मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन में फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए ये इमदाद लेकर भी आए हैं। और इनके साथ बहुत अच्छा टीम और नेटवर्क है और हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और उम्मीद भी हैं अल्लाह पाक करम करेगा। अल्लाह इस मुसीबत के वक्त इन लोगों ने जो मदद की है, अल्लाह सबके भलाई को रखा करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब।